press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 9.1 का, और ऐसा उस टाइप का क्वेश्चन है जैसा अपन ने एग्जांपल नंबर 6 किया था 9.1 से पहले, और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 किया था जिसमें इक्वल डिस्टेंस आई थी कि ये पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है। तो ये तीन क्वेश्चन है 11, 12 और 13, और एक एग्जाम्पल 6 और एक मिसलेनियस का 10, ये पांचों क्वेश्चन इस सेम पैटर्न पे होगा जिसमें पी ए बराबर अपन पी बी लेकर के इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसने कहा है कि ये जो पॉइंट x एक्सिस पे है ये इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो x एक्सिस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं कि जो पॉइंट x एक्सिस पे होता है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, बी कोऑर्डिनेट को आप x कॉमा y से रिप्रेजेंट करते हो, तो जो पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसमें y का वैल्यू 0 होता है तो वो हो गया x कॉमा 0, और जो पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट 0, y, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो x एक्सिस वाले बिंदु के जो कोऑर्डिनेट है उसके x, 0, और जो y एक्स पे है तो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0, y। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे उसने कहा कि जो x एक्सिस पे है तो वो पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो पी ए के इक्वल हो गया पी बी, ये दोनों पॉइंट ए और बी है। तो अपन यहाँ लैंग्वेज में लिखेंगे कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो वो पॉइंट कौन सा है पी, तो पी एक्स कोमा 0, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पी एक्स कोमा 0 विच द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी, जो ए में बी से बराबर दूरी पे है। हिंदी मीडियम में लिख देंगे, माना एक्स एक्स पे बिंदु पी एक्स कोमा 0 बिंदु ए व बी से बराबर दूरी पर है। अब यहाँ पे दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट। तो पी ए के इक्वल पी बी है, तो पी ए डिस्टेंस निकालेंगे तो पी के जो कोऑर्डिनेट है ये x1 y1 है, और ए के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो x1 - x2 करेंगे तो x में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आगे वाला जो x2 ये माइनस का है, तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस का हो जाएगा, तो ये x+2 का होल स्क्वायर हो गया। आगे प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू 0 है तो 0 आगे वाला साइन माइनस का है, और ये -5 है तो ये +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू में ये रूट के अंदर x1 - x2 का स्क्वायर, तो x में से ये 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो y1 की वैल्यू 0 में से -3 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 + 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे दोनों तरफ ये वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, तो इसको आपको हटाना है। तो लिखोगे टैक्स स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो वर्क करोगे तो ये दोनों वर्गमूल के साइन हट गए हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस डबल करोगे तो 2 × 2 × x होगा तो 4x + 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू में a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस डबल करोगे तो 4x + 3 का स्क्वायर हो गया 9। x² से x² कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब ये जो 4x बचा है ये लिख दिया, ये 4x माइनस का है, इसको अपन राइट साइड में है उसको लेफ्ट में ले आएंगे, तो ये माइनस से प्लस हो गया इज इक्वल्स टू मी, ये 9 पॉजिटिव है, ये 25 जाएगा राइट साइड में तो नेगेटिव हो गया, तो 8x इज इक्वल टू मी, 9 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का 16, तो x की वैल्यू निकालोगे तो -16/8 तो आ गया माइनस का 2। ये माइनस का 2 x की वैल्यू आई है, तो यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट पी का जो है उसमें वाई की वैल्यू तो 0 है, तो सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, तो P की कोऑर्डिनेट क्या है x की वैल्यू -2, 0, अतः P बिंदु के निर्देशांक -2, 0। ये सेम क्वेश्चन आगे 12वां क्वेश्चन है जिसमें बस इस x एक्सिस की जगह दे रखा है y एक्सिस, तो वहां पे इस P बिंदु के जो आप कोऑर्डिनेट है निर्देशांक ले लोगे 0, y, बस इतना सा चेंज है, बाकी a और b के कोऑर्डिनेट इसी तरह से आपको वहां पे गिवन है डिजिट में, तो वहां पर भी PA के इक्वल PB का फॉर्मूला लगाओगे उसमें आपको y की वैल्यू मिलेगी और उसका आंसर भी -2 ही मिलेगा आपको y का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 12 की प्रैक्टिस सब खुद करोगे। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो
13 है वो करते हैं जिसमें आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। पैटर्न ये सेम का सेम होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज का, इफ पॉइंट्स 3k एंड k5 आर द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स 0 टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे ये दोनों है वो एंड लगा करके दिए हैं, और लगा करके देगा हिंदी के अंदर, तो ये दोनों पॉइंट है वो ए और बी होंगे, और ये दोनों पॉइंट किन दोनों से समान दूरी पर है, 0-2 से बराबर दूरी पे है। तो इसमें की गलती से कर देते हैं, पी ए बी में अगर कोई भी कोऑर्डिनेट जैसे ये पी ले दिया, ये ए और बी ले लिया, तो पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है जो दो एंड या और या तथा लगा करके आएगा वो दोनों पॉइंट ए और बी के निर्देशांक होंगे, और जो पॉइंट फ्रॉम पॉइंट 0-2 तो जो 0-2 से बराबर दूरी पे है, जिस पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पर है वो पॉइंट कॉमन पॉइंट होगा। तो यहाँ ये 0-2 से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये आ गया 0-2, ए और बी के कोऑर्डिनेट हो गए 3, k, और बी का कोऑर्डिनेट है ये k, 5। तो यहाँ पर इस इन पॉइंट्स को अपन नाम दे देंगे सॉल्यूशन में ए और बी, तो लेट पॉइंट्स ए 3k एंड k5 ये है बी आर द इक्वल फ्रॉम पॉइंट 0-2, बिंदु ए 3k तथा बी k5 है वो 0-2 से बराबर दूरी पर है, तो पी ए के बराबर कौन होगा, पी बी। आप दूरी सूत्र लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला है वो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये आपको हर जब भी क्वेश्चन करो तो प्रत्येक क्वेश्चन में ये अप्लाई करना है। तो पी ए, तो पी ए के लिए अंडर रूट के अंदर पी के कोऑर्डिनेट 0-2 है, ए के कोऑर्डिनेट 3k है, तो 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस, अपन ट्रिक से करना है पहले में से पहला सब्ट्रैक्ट करो, दूसरे में से दूसरा करो, तो 2 - k का होल स्क्वायर, तो 2 - k का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप इसमें से आप ये भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो k में से ये 2 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो वैल्यू लिखने से थोड़ा सा उनको अजीबिल होता है, इसलिए अपन ए के जो कोऑर्डिनेट है उसको लिख दिया, 3 में से सब्ट्रैक्टेंगे 0 का स्क्वायर प्लस के में से कर दें 2, तो k - 2 का। अब वो a - b को स्क्वायर की तरह ओपन कर लेंगे इधर अंडर रूट में, देखो ये k5 है, ये दोनों वैल्यू डिजिट में, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लो, तो k - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो आप इनको रिमूव करेगा, आपको लिखोगे टेक स्क्वायर बोथ साइड्स दोनों तरफ वर्क करने पे, तो ये तो 3 - 0 यानी 3 का स्क्वायर है, ये k - 2 का होल स्क्वायर है, ये k का स्क्वायर है सिर्फ, और ये 5 - 2 हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस a - b का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, डबल करेंगे तो ये हो गया 4k इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे जो कैंसिल होने वाले हैं वो k स्क्वायर से, तो k स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो पार्ट बचा है वो 4 - 4k इज इक्वल टू में 0 है, तो ये 4 आप यहाँ रखते हो तो 4k राइट साइड में, तो 4k प्लस का हो गया है, तो 4 अपॉन ये 4 आएगा तो इज इक्वल टू में k, तो k की वैल्यू आपको मिल गई, 4 अपॉन 4 कितना होता है 1, तो ये k की वैल्यू आ गई है, तो आता है k बराबर है 1। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे जिसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है। एग्जाम में k की जगह कोई भी अल्फाबेट दे सकता है, तो उसमें अगर वो चेंज कर दे अल्फाबेट, तब आपको क्वेश्चन तो इसी तरीके से करना है, बस k की जगह आपको जो भी अल्फाबेट दे वो पुट कर देना है। अब आगे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 14, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ये पी का तो है ए कोस थीटा बी साइन थीटा, और क्यू का है -a sin θ बी कोस थीटा रिस्पेक्टिवली, देन सो दैट ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी और क्यू बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, तब सिद्ध करना है ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
वेयर ओ इज ओरिजन, यानी ओ है वो क्या है, मूल बिंदु है। तो आप जानते हो कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। अब जो सिद्ध करना है उसमें आपको ओपी और ये ओक्यू दोनों ही क्या है, डिस्टेंस है। तो ओपी में तो ओ की डिस्टेंस पी से है, ओक्यू में ओ की डिस्टेंस बिंदु क्यू से है, और उनका ये क्या है, स्क्वायर है। तो ये पार्ट इसका लेफ्ट हैंड साइड है। तो अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और आंसर लेकर आना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड है ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर है। अब ओपी डिस्टेंस निकालेंगे तो यहां पे ओपी डिस्टेंस के लिए ये ओ के कोऑर्डिनेट तो 0 0 है और पी के जो कोऑर्डिनेट है वो ए कोस थीटा बी साइन थीटा है। तो ये आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो ओपी डिस्टेंस के अंदर ओ में से पी वाले सब्ट्रैक्ट करो, से पी में से ओ वाले करो, तो इन दोनों में से ये सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पहले क्वेश्चनों में लिखा चुके हैं, तो सेम उसी तरह से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर। तो ओपी का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो रूट होगा, वो इससे रिमूव कर देगा, लेकिन अभी अपन ओपी का ही वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ए कोस थीटा में से 0 माइनस कर दो, बी साइन थीटा में से 0 चाहो तो 0 में से ए कोस थीटा और 0 में से बी साइन थीटा, दोनों में से कोई भी पैटर्न आप यूज कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूँ ए कोस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये इसका रूट करेंगे, ये तो आ गई ओपी डिस्टेंस, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ओपी का स्क्वायर हो गया। आगे प्लस ओक्यू डिस्टेंस निकालेंगे तो ओ के कोऑर्डिनेट तो ये 0 0 ही है और क्यू के कोऑर्डिनेट है ये माइनस ए साइन थीटा और बी कोस थीटा है। तो ओक्यू डिस्टेंस के लिए इसमें से ये माइनस कर लो सेम इसी तरह। तो रूट के अंदर माइनस ए साइन थीटा में से 0 माइनस हो जाएगा प्लस बी कोस थीटा में से भी 0 माइनस, ये तो डिस्टेंस आ गई OQ, और इसका क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि आपको OQ का स्क्वायर चाहिए। अब ये दोनों जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ये रिमूव हो जाएंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो ए कोस थीटा, ए कोस थीटा माइनस 0 करोगे तो ए कोस थीटा का ही स्क्वायर होगा प्लस ये बी साइन थीटा का स्क्वायर होगा। आगे प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को रिमूव कर दिया, माइनस का है लेकिन स्क्वायर होने की वजह से प्लस का हो गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आप ए स्क्वायर वाले में से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो और बी स्क्वायर वाला और बी स्क्वायर वाला पास करके कॉमन, यानी ये दोनों आप पास पास रखे कॉमन लो और ए स्क्वायर वाला रखे कॉमन लो, चाहो तो कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर वाले के पास रखे कॉमन ले, आप उसमें साइन स्क्वायर वाला साइन स्क्वायर के पास रखे कॉमन ले। तो मैं यहाँ पर ए स्क्वायर और इस ए स्क्वायर वाले को पास पास रख के इसमें से कॉमन निकालता हूँ और इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो इसको दोबारा रीअरेंज कर देंगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, इसका सिर्फ लोकेशन यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक ही साइड में है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये लास्ट वाला है वो कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन निकालना है आपको, तो ये ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे प्लस इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी फर्स्ट पढ़ी थी आपने एक्सरसाइज 7 में, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का भी 1 से मल्टीप्लाई प्लस बी स्क्वायर का भी 1 से मल्टीप्लाई ए जी, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको आरएचएस लेना था। तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के अंदर 2020 में पूछ सकता है, तो साथ ही में इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटी भी लगेगी, तो ये भी आपको याद रखना है।